आज दुनिया के हर देश नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि एक ताकतवर देश के प्रधानमंत्री है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीत का जश्न किस तरीके से बीजेपी दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रुझानों के मुताबिक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 111 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास महज 70 सीटें इस वक्त मिलती नजर आ रही है, जेडीएस के पास 39। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान करती है कि आखिर कर्नाटक में अब किसकी सरकार बनने वाली है। यार इसको समझाओ यार, ये फ्रेम में आ रहा है अभी। तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे क्या कुछ होंगे शाम को पता चलेगा, लेकिन रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी, अब ये कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो साफ होती दिख रही है। कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक अब फिसलता हुआ नजर आ रहा है और जो आत्मविश्वास दोनों ही पार्टी ने दिखाया था, यानी बीजेपी और कांग्रेस का जो आत्मविश्वास था, कहीं ना कहीं उस पर बीजेपी तो खरी उतरी है, लेकिन यह आत्मविश्वास कांग्रेस का शायद अति आत्मविश्वास था कि अब कांग्रेस के हाथ में कम सीटें बची हुई हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक फिसलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, क्या वो रणनीति काम कर गई, क्या मोदी फैक्टर ने काम किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। कर्नाटक का जनादेश किससे मिल रहा है ये साफ तौर पर रुझानों में साफ हो रहा है, लेकिन इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी से नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उसके अलावा समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान, राजनीतिक विश्लेषक श्रीधर पाठक हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे सैफ खान, आपका बहुत बहुत स्वागत, और राजनीतिक सलाहकार ए के मिश्रा जी भी हमारे साथ नोएडा से। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहला सवाल सैफ खान जी आपसे मेरा होगा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, क्या जो कामकाज था सरकार का जनता को पसंद नहीं आया, क्या जो कामकाज किए गए हैं सरकार उस पर खरी नहीं उतरी, क्यों जनता ने आपको नकार दिया, रुझान तो यही कहते हैं। चलिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज इन हिंदी खबर पे आपके साथ जो है मौका मिला। कर्नाटक का अगर आप इतिहास देखें पिछले 30 सालों का, तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई, एक बार हुआ था कि ऐसे रिपीट हुई थी, वरना अभी तक के सरकार जो भी 5 साल की टेन्योर के बाद जो है सरकारें चेंज होने का रिवाज जो है कर्नाटक में हमेशा 30 साल से फॉलो किया जा रहा है। बहरहाल हमारे काम, हमें अपने काम पे विश्वास होता है और हम अब सिर्फ डेवलपमेंट के नाम के ऊपर ही सिर्फ वोटिंग वगैरह, और हम जो जो मांग करते हैं, जो पब्लिक से अपील करते हैं, वो अपने विकास के ऊपर करते हैं। आज हमारे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की कम मैंडेट आ रही है, तो बिल्कुल जो है हमें उस पर विचार करना चाहिए, उस पर गंभीरता से देखना चाहिए कि हमें जो है ये कम मैंडेट क्यों मिली है और भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिली है। भले इन्होंने चाहे केंद्र में 4 साल हो गए, अभी तक का ऐसा कोई ग्राउंड रियलिटी है, कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं है जो पब्लिक को इतना या ऐसे ऐसे कोई मैंडेट मिलने के लिए जो इनका इनको जो दिया जा रहा है या जो इनको मिल रहा है, ऐसे कोई जो है उपलब्धियां जो है केंद्र की सरकार की नहीं है। 31 जनवरी 2017 को इनफैक्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपनी एक सूची सामने लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी उपलब्धियां हैं, जिसमें आधार, FDI, GST, ये FDI, UPI, ये जितनी भी योजनाएं हैं सब बताते हैं, वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनाई हुई थी। तो देखा जाए तो ये कि आजकल जो है हम ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन जो है अगर लड़ा जाता है या जीता जाता है, ज़्यादातर जो जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो किसी मुद्दे के ऊपर नहीं, रिलीजियस तौर के ऊपर जो है वो जीतना इनका जो आवश्यक हो जाता है। बहरहाल अगर हम देश की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जहां हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, आज बड़े अफसोस की बात है कि हम वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। GDP ग्रोथ की बात करते हैं, इंडिया क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं, तो लगातार जो है हमारा देश जो है पीछे। भूखमरी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे जहां पहले हमारा देश जहां 55वें नंबर पे था, आज भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में जो है वो आज वो 100वें नंबर पे हम और नीचे आ चुके हैं। उस पे उपलब्धियां और जो है वो ये है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट, मेट्रो फेयर्स के दाम बढ़ा दिए, दाल जो 70 रुपए की थी 150 रुपए की, गैस सिलेंडर जो 400 रुपए के थे 800 रुपए के कर दिए, पेट्रोल और डीजल के ऊपर 110% की ड्यूटी जो है वो
गवर्नमेंट जो है वसूल करेगी, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट जो है 67% डिक्लाइन कर चुका है। प्लस हमने ये भी देखा एटीएम के ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये की फीस जो है वो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। ऐसे ही आप ये देखें कि हमारे देश की बेरोजगारी, जहां श्रम विभाग को 2016 में बंद करवा दिया गया था इसलिए कि जनता को इनकी बेरोजगारी की आंकड़े ना पता चले। खैर मैं बताना चाहता हूं कि 31 मिलियन लोग इस वक्त जो हमारे देश में बेरोजगार हैं इस वक्त बैठे हुए, 11-12 करोड़ की जो हमारी 11% ऑफ पॉपुलेशन हमारी इफेक्टेड हुई है, जो बैठी हुई है बेरोजगारी से, और सिर्फ इसी उम्मीद में कर्नाटका में आज अगर इनको मैंडेट मिलती है तो वो जनता को हम पूरा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने जो है इनको अगर मैंडेट दी है तो वो इसी उम्मीद में मिली है कि आप जो है कुछ काम करके दिखाएं। बल्कि ग्राउंड स्तर के ऊपर जो देखा जाए, एग्रीकल्चर ग्रोथ बिल्कुल डाउन है, एवरेज ग्रोथ बिल्कुल डाउन है, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल डाउन है, तो कहीं ना कहीं जो है ये सिर्फ रिलीजियस तौर के ऊपर जो है इलेक्शन जीते जाते हैं, कोई ग्राउंड रियलिटी है, कोई ऐसी योजना बनी नहीं है, कोई कम्युनल वॉलेंसेस जो है हमारे है। देश में आज 41% जो है कम्युनल वॉलेंसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, आपने आंकड़े गिना दिए, बहुत है, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, आपने इतिहास गिनवा दिया कि शायद 1985 के बाद ऐसा कोई भी कार्यकाल नहीं आया कि किसी सरकार ने दोबारा से अपनी सरकार उसी पार्टी ने बनाई हो। लेकिन इतने काम के बावजूद आपने इतनी उपलब्धियां गिनाई, इतने बड़ी बड़ी योजनाएं गिना दी, क्यों जनता ने आपको नकार दिया, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल हम नवीन श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। नवीन जी, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है, आत्मविश्वास आपकी पार्टी में भी था, आत्मविश्वास कांग्रेस में भी था, क्या कहेंगे, कांग्रेस को आती है आत्मविश्वास ले डूबा, और आपकी पार्टी की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानेंगे? देखिए मनीषा जी, कर्नाटक वो 22वां राज्य होने जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों की सरकार बनने जा रही है। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय हम 6 राज्यों में थे, आज 22वें राज्य में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, सबका साथ सबका विकास और उनके द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं जिनका नारा था कि समाज में अंतिम व्यक्ति का विकास हो, यह हमारा लक्ष्य है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारा सांगठनिक ढांचा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियां, इनको लेके हम चुनाव में थे और हमें यह पूर्ण विश्वास था कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भी हमारी विजय हुई है उस तरह से हम कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और उस दिशा में जो अभी तक नतीजे दिख रहे हैं उसी दिशा में हम अग्रसर हैं। कांग्रेस के मित्र की मैं बात सुन रहा था, आज सुबह से मैं तीसरे चौथे चैनल पे हूं। कांग्रेस दो चीज का हमेशा क्लेम करती है मनीषा जी, एक तो अपने को लोकतांत्रिक पार्टी बताने का दंभ और दूसरे सेकुलर। इस देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का हत्या करने वाली कांग्रेस, चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आए तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह, सर्वोच्च न्यायालय में फैसले नहीं पक्ष में आए तो सर्वोच्च न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह, इवन मीडिया पर भी। आज ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता मीडिया पर, उन्होंने ऑन एयर कहा कि मीडिया पेड है बिकाऊ है। तो कांग्रेस का कहीं भी संविधान और संविधान सम्मत जो संस्थाएं उन पर विश्वास नहीं है, फिर भी ये लोकतांत्रिक है। दूसरे ये अपने कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर, मेरठ मलियाना भागलपुर हजारों मुसलमानों का नरसंहार कराने वाले, 84 के दंगों में हजारों सिखों के दंगा कराने वाले, अगर अपने को सेकुलर कहते हैं तो यह छद्म बहुत दिन इस देश में चलने वाला नहीं है। देश की जनता यह जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव के, जो बिना जात पात के, बिना हिंदू मुसलमान किए जनता के हित में काम कर रही है। आप देखिए, देखिए इस बात को तो क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं जाति समीकरण जो है वो बनती ही है और तमाम पार्टियां बनाती है। ठीक है, आपका आपने बोली, आप एक बार डॉक्टर अजीज, ठीक है मनीषा जी एक मिनट मैं और लूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जो पॉलिसियां बनती हैं, हमने अगर सौभाग्य योजना बनाई, हमने जनधन योजना बनाई, हमने उज्ज्वला गैस योजना बनाई तो बिना किसी भेदभाव के। मैं देश का तो नहीं जानता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश के विषय में मैं बता सकता हूं मनीषा जी कि उत्तर प्रदेश में जो पहले सरकारें थी, अगर एक गांव में दो गरीब बेटियां, एक का नाम है सुनीता, एक का नाम है सकीना, तो सकीना को साइकिल भी मिलेगी, वजीफा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सुनीता को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का भेदभाव, जहां पर शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों को एक
वर्ग विशेष के पुलिस अधिकारी के शहीद होने पर 50 लाख मुआवजा, 2 नौकरी और एक दूसरे को 20 लाख और 1 नौकरी, इस तरह का भेदभाव, अपराधी की जांच, तो इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष को हिंदुस्तान में नकारा गया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जिस भी राज्य में चुनाव होते वहाँ जाति का समीकरण नहीं बनाया जाता। सरस्थान आपके पास आऊंगी, एक बार बात का जवाब दे दूं। केवल जो है ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, फिर मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। एक सवाल और केवल एक नाम चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको आपने टिकट दिया हो, हम अभी समझ जाएं। मैं आपकी बात को अभी चैनल पे कबूल कर लूंगा, सबका साथ सबका विकास। चलिए एक नाम बता दीजिए। दूसरी बात आपने की, मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, ईवीएम की बात की थी, सुनिए मैं आपकी बात खत्म कर लूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपका प्रश्न, हां, इलेक्शन कमीशन जहां पहले अवार्ड लेता था, आज 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है। आप ये शायद जानते होंगे, ये शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपने बात की जनधन योजना की, साहब हमारी योजनाओं का नाम चेंज करके, बेसिक सेविंग स्कीम्स को चेंज करके आपने जनधन योजना कर दिया, और आप उसको जैसे आपने आधार को पहले कीचड़ फेंकी, फिर मनरेगा पे फेंकी, फिर सब ज्यादा बजट उस पर ही सेंक्शन किया, फिर अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं आधार आपकी अचीवमेंट है, तो ये हमारी बनाई हुई योजना है साहब। आप मुझे एक नाम जो पूछा था, मैं कृपया आपसे चैनल, ठीक है जवाब, ठीक है जवाब, एक नाम की ठीक है जवाब लेते हैं, नवीन जी जवाब दे दीजिए। देखिए नाम बताइएगा, फिर बहुत सारे आंकड़े गिना लिए, इन आंकड़ों पर देखिए। आपने कहा कि एक भी टिकट, देखिए हमारा लक्ष्य किसी हिंदू और मुसलमान को टिकट देना नहीं है, हमारा लक्ष्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लक्ष्य, मैंने यही सच्चाई बोली थी चैनल के ऊपर, आप हमारा लक्ष्य सबका विकास, तो छोड़ दीजिए आपका ये मेंढक, आप लोग यही काम चलते हैं, हमारी योजनाओं को आप अलग, आप नाम के नाम पर, आप मुस्लिम के नाम पर, आप टिकट के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो राजनीति आपने की है, देश की जनता सबसे बड़ी अदालत है और उसने अब आपको नकार दिया है। दुर्भाग्य यह है कि आप लोकतांत्रिक हैं, राष्ट्रवादी, और दोष आपका नहीं है साहब जी, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति जेएनयू में उन छात्रों के समर्थन में रैली करता है जिनके नारे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आपके एक बड़े नेता शशि थरूर परसों इसी लखनऊ की धरती पर मात्र दिवस के दिन भारत माता का अपमान करके गए, ये देश की जनता बुद्धिमान है, आप बहुत दिन बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, सैफ जी, ठीक है, ठीक है, वापस कर्नाटक चुनाव पर आए, अपने दामाद रॉबर्ट वगैरह, ठीक है, ठीक है, वापस कर्नाटक चुनाव पर आते हैं। सवाल समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर अजीज खान जी, क्या लगता है कि बीजेपी की लहर, क्या मोदी के की जो लहर है, ये जो ब्रांड चल रहा है, एक बार कर्नाटक में भी काम कर गया और फिर से कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार, कहां कमी रह जाती है आप लोगों के साथ? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो अब चूंकि किन परिस्थितियों में जीत हुई है और किन परिस्थितियों में इनको बहुमत मिल रहा है, वहां पे रुझान है, जैसे भी जिन भी हालात में रहा, मैं तो इनको बधाई दूंगा, नवीन जी को, ये मेरे मित्र हैं और मुझे लग रहा है ये बधाई के पात्र हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनको बहुत अति उत्साहित होने की जरूरत है, और बहुत उत्साह आदमी के लिए हानिकारक हो जाता है, और जिस तरीके से जश्न का माहौल पूरे बीजेपी कैंप में और पूरे देश में मनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र है और ऐसे हार जीत होते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस बात का है, आप इलाहाबाद का जब सीट जीत गए थे तब जश्न देखते बनता था, और आज एक आदमी ने, एक पार्टी ने पूरी कर्नाटक जीत ली है तो वो जश्न ना मनाए, ये कौन सा राज्य हुआ सर? आप इलाहाबाद सीट जीते थे, भाई इलेक्शन में पता नहीं चल पा रहा है, जश्न मना था, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, बात करने दीजिए, अपनी बात आप रखिएगा, हमें एक आदमी आपको तो बात करने रखने दीजिए, अपने लिए दूसरा चश्मा, अब लोकतंत्र है, आप बात भी नहीं रखने देंगे, नहीं बोलिए सर, ठीक है भाई, आप जीत रहे तो इसका मतलब थोड़ी कि विपक्ष को बात नहीं रखने देंगे, बात तो रखने दो, हाँ मैं ये कह रहा था कि देखिए मनीषा जी, आप सज्जन जो भी बोल रहे हो, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी अपनी बात आप रखें, मैं कह रहा था जिस तरीके से उन्होंने पूरे कैबिनेट को कर्नाटक में ले जाकर के उतार दिया, पूरी तरह से हर तरीके का इस्तेमाल किया, चाहे वो धनबल का हो, चाहे ताकत का हो, इस तरीके से पैसे का हो, हर तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चुनाव में ये सब होता है, और जो पक्ष की पार्टी होती है, जो शासन सत्ता में होती है, वो करती भी है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, इन्होंने किया भी। हैरान मैं इस बात को लेकर के हूं कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जिस तरीके से मीडिया ने एनालिसिस किया, मीडिया ने जिस तरीके से बात को दिखाया कि कांग्रेस बढ़ रही है,
और कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारी बातें, एक बड़े बड़े सर्वे आए, साथ ही साथ वहां की जनता के द्वारा जो भी एनालिसिस किया गया और जनता ने भी जिस तरीके से एकजुट होकर के ये बताया और ये माहौल पैदा किया कि कांग्रेस एक बड़े लेवल पे उभर करके आ रही है, मुझे अफसोस इस बात की है कि मीडिया का भी एनालिसिस मैं गलत नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि मीडिया एक स्तंभ है और बहुत बड़े लेवल पे उसका एनालिसिस है। आप समझिए, मीडिया कह रहा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने सुना, उन्होंने इस बात को कहा कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में उभर के आएगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी का जो भी शो है वो सब फ्लॉप है, चाहे उसके किसी भी मुद्दे को ले लिया जाए, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मुद्दा, कानून व्यवस्था की बात हो, सब पर फेल है, इसलिए मनीषा जी बहुत, आप बात तो सुन ले मेरी, कंप्लीट होने दे, सवाल इस बात का कि सारे मुद्दे पे फेल है, इससे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कर्नाटक में एक बड़ा बदलाव होगा, यानी कांग्रेस एक बड़े लूप पे उभर के आएगी। सारे मुद्दों पर बात की है, आज जो हालात पैदा हुए हैं ये संदेह के घेरे में, मनीषा जी संदेह के घेरे में है, सभी पार्टियों को, सभी दल के लोगों को बैठकर यह चिंता करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग और चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, ये बहुत बड़ा प्रश्न इसमें खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतना बुद्धिजीवी तबका, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े चैनल ये गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इनका बड़ा वजूद है आज कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव प्रणाली पे ये प्रश्न है, और ये प्रश्न है, इस पे कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को मिल बैठ करके सोचने का विषय ये भी है कि आखिर विपक्ष इतना कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है। एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, सैफ खान ने कहा कि सारी हमारी योजनाएं हैं, मैडम आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या है, और विपक्ष कमजोर नहीं है, ये लोकतंत्र की सिर्फ हत्या है। आपके बात समझ गए एके मिश्रा जी। सैफ खान ने कहा कि सभी उनकी योजनाएं थी, नाम बदल करके बीजेपी ने अपना नाम उस पर रख लिया। अजीज खान जी कहते हैं जो भी परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में शायद वो जीत रही है, ये तमाम योजनाएं कांग्रेस ने चलाई, नाम बदला बीजेपी ने, परिस्थितियां गलत है, सोचने का विषय है, लेकिन बावजूद उसके इतिहास भी छोड़ दीजिए, वर्तमान देखिए ना, देश के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि 21 में 22 में लगभग बन जाएगी, जो जनाधार अभी बता रहा है। क्या वजह है जो बीजेपी का परचम लहराया जा रहा है 22 राज्यों में, और कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो गया है। मनीषा देखिए, अगर निष्पक्ष एनालिसिस की जाए, आप ये पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया को छोड़ दीजिए, देखिए दो चीजें अपने देश में होती हैं, देश का विकास करना यानी रेगुलर वे में शासन प्रशासन चलाना, और एक महीने के लिए जो चुनाव होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का डायनामिक्स टोटली अलग होता है। इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी की कोशिश ये होती है कि वो इलेक्शन जीते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो इलेक्शन में तो आप ये मानो जो जीता वही सिकंदर। विकास हुआ कि नहीं हुआ, किनकी क्या पॉलिसी थी, किनकी पॉलिसी थी, किन्होंने क्या किया, वो एक डिफरेंट चीज है। विकास की आप बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई आप जापान से कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि किसी पार्टी, सारी पार्टियां विकास में फिसड्डी रह गई। ठीक है, कोई ये बोले कि मैंने बसपा से ज्यादा विकास कर लिया, सपा वाले बोले कि मैंने कांग्रेस से ज्यादा कर लिया, नो डाउट कांग्रेस जो है 60-70 साल रही है, तो जो भी विकास हुआ है वो सारी पार्टियों ने मिलकर किया है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन विकास करने का यार्ड स्टिक क्या होना चाहिए? आप आपस में ही जो है एक जैसे केकड़े वाला होता है ना, कि एक बाल्टी में जी हमने कांग्रेस से ज्यादा विकास कर लिया, हमने बीजेपी से कर लिया, आप इंटरनेशनल यार्ड स्टिक पे अपने आप को परखिए कितना विकास हुआ है इंडिया का, आपको पता चल जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा, सारी पार्टियों ने जनता को बेवकूफ बनाया है, छला है। दूसरी चीज मैं अब और आता हूं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के भाई साहब बोल रहे थे, मैं बोलना चाहता हूं, देखिए कभी कभी तो आप यथार्थवादी बनिए सर, शुतुरमुर्ग की तरह अगर आपकी हार आ रही है तो शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप अपना जो है मुंह जो है रेत में छुपा लेंगे तो उससे आप हारने से नहीं बचेंगे, या बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंख बंद कर ले, देखिए साइंटिफिक वे में एनालिसिस करिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आज की डेट में कांग्रेस के पास, के मिश्रा जी आप राजनीतिक विश्लेषक कम, मुझे लग रहा बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं आप सर, जो रिजल्ट राजनीतिक विश्लेषक कम बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं अभी, देखिए इस बात का सुनिए, अरे आप सुन लीजिए, जब आप एक सीट जीते थे तो मैंने आपकी भी तारीफ की थी, और मैंने खुल के बोला था कि आज आपको जश्न मनाने का मौका है, तारीफ नहीं सही है, आप मेरे को लॉजिक क्या दीजिए सर, एक बाई इलेक्शन सीट आप जीत गए तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि 2019 का आप इलेक्शन जीत जाओगे, विकास के बारे में क्या कहना है आपका वो बताइए ना। अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, नाम पे नंगा नाच हुआ पूरे देश में, बता रहा हूँ सर, आप 250 से 52 सीटों पे आ गए, हिंदू राष्ट्र का बड़ा आप 250 से 52 सीटों पे आ गए, आप सर अपनी अंतर समीक्षा करिए, उसके बारे में तो बोलिए, सोचना शुरू करिए, ठीक है, जो
मोदी हैं, आपको खत्म कर देंगे सर। ठीक है मिश्रा जी, एक बार राजनीतिक विश्लेषक श्रीधर पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम जान लेते हैं। श्रीधर पाठक जी, जिस तरीके से जनाधार मिल रहा है बीजेपी को, अगर कांग्रेस ने बीते 5 सालों में काम किया होता, अगर कांग्रेस का काम जनता को पसंद होता, तो जनता क्यों नकारती कांग्रेस को? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को फिर इतना जनाधार मिलता, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है फिलहाल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कांग्रेस ने जो भी काम किया या नहीं किया, लेकिन जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया, और जनता को ये लगा कि कांग्रेस उनके पहचान को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। बीजेपी पर उसने विश्वास किया। पिछले 4 सालों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर विभिन्न राज्यों में काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कोई नहीं देख रहा। हर आदमी, हर वोटर केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर लगातार उसको वोट दे रहा है, और 6 से लेकर के अब 22 राज्यों तक वो पार्टी शासन में आ चुकी है। तो इसलिए ये कहना कि ईवीएम मशीन खराब थी या उसको कब्जा कर लिया या किसको कब्जा कर लिया, इससे कोई फायदा नहीं है। जनता ने सीधे सीधे विश्वास व्यक्त किया है, और अब उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। जनता उसको भी 5 साल तक देखेगी, इसके बाद वो खुद तय करेगी कि उसे क्या करना है। तो ऐसी हालत में उस राजनीतिक दल का, जो कि अब कर्नाटक में सत्ता में आने वाला है, उनके केंद्रीय नेतृत्व का और उनके राजनीतिक नेतृत्व का जो भी रणनीतिक समायोजन रहा है, वो उनके काम आएगा। जाति और धर्म की बात पर तो कोई बात करना बेकार है, क्योंकि कोई ऐसा चुनाव नहीं है गांव प्रधानी से लेकर के और पार्लियामेंट तक जिसमें इन चीजों का आधार चुनाव में खड़े होने वाले लोगों को ना मिलता हो और इसके आधार पर चुनाव ना होता हो। ये अलग बात है कि चुन जाने के बाद लोग अपने अपने ढंग से विकास करते हैं, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग महत्व होता है, उनका अलग अलग नजरिया होता है। ठीक है, तो इस समय पर तो ये मान करके चलना चाहिए कि लोगों को बीजेपी के नेतृत्व पर पूरा पूरा विश्वास है। अब ये बीजेपी के काम में बिना मतलब दखल देने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, जनता तो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है, ये साफ तौर पर जाहिर है। श्रीधर पाठक जी, ठीक है, आपने बहुत सही कहा, लेकिन अब सैफ खान जी, मेरा आपसे एक बहुत गंभीर सवाल है। चुनाव प्रचार किया गया और यहाँ पर एक रणनीति के तहत काम किया गया, जो रोडमैप तैयार किया गया था, तमाम पार्टियां पहुंची, कांग्रेस अध्यक्ष खुद पहुंचे प्रचार किया, बीजेपी के आला कमान पहुंचे प्रचार किया, लेकिन प्रचार के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह और वो खुद लिखते हैं चिट्ठी राष्ट्रपति को कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ये अमर्यादित भाषा है, क्या कहेंगे, क्या राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, आजकल तो ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकला भी कि कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी पप्पू बोलने की, अब वो तो होता है, मतलब बदतमीजी की हद हो चुकी है आजकल। राजनीतिक स्तर को इतना नीचे गिरा दिया गया है कि एक्चुअली कुछ बचा नहीं। मैं इनसे बड़ा क्लियर, मैंने इनसे अभी पूछा था आप ही के चैनल के ऊपर, खुलासा जो है, मैं अगर मैं ये बोलूं कि आपके चैनल पे खुलासा हुआ है कि एक कोई ऐसी योजना बता दीजिए जिसकी वजह से कोई इतनी मैंडेट मिल रही है, तो उसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा नहीं। बहुत अफसोस की बात यह है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, 41% बढ़ गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है 25 जुलाई 2017। अगर आप ये सोचेंगे आप कहां से लेके आए, बहरहाल हमारे देश के कुछ और एग्जाम्पल्स में अगर ये बताऊं कि चाहे वो गाय रक्षा के मामले में हो कि लोग मर रहे हैं, चाहे हमारे देश में टेररिज्म का मामला हो कि 77% टेररिज्म बढ़ चुका, 42% सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ चुका। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारी जो सीज फायर उल्लंघन है, पाकिस्तान इस वक्त 600 से ज़्यादा जो है सीज फायर उल्लंघन कर चुका है, बातें सिर्फ सुनने में आती हैं कि हो रहा है। 97% अटैक्स जो हैं हमारे देश में तब से हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। अब इनको अगर ये पूछा जाता है, बड़ा साफ सा सवाल है मैं जो करना चाहता हूँ, और मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें। आपको ठीक है मैंडेट मिली, मुबारक हो आपको, मगर मैं उन राज्यों का भी पूछना चाहूंगा जहां पे आपकी दो दो सीटें मिली हैं आपको और वहां आप सरकार बना लेते हैं, मणिपुर, गोवा में जहां आपकी कम बहुमत है तब भी आप सरकार फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये खरीद फरोख की राजनीति जो है ये हमें देखने को मिल रही है, ये जनता का पैसा है जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस्तेमाल कर रही है, वरना इन दो राज्यों में जो आप ये 22 आज गीत गा रहे हैं, इन दो राज्यों में तो आपकी सरकार ही ना होती आज। मगर
ठीक है, मैं ये भी मानता हूं कि आज जो कर्नाटका की सरकार ने आपको चलिए मैंडेट दिया है वो ये भरोसा करके दिया है, हमने क्या काम किया आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते थे, चलिए कर्नाटका ने अपने वोट दे दिए, मगर हमने क्या काम किया था जो 12वें नंबर पे था कर्नाटका, आज वो डायनेमिक सिटी है पूरे वर्ल्ड में, आज वो नंबर 1 के ऊपर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटीज है वहां पे, रोड अगर सड़कों की मैं बात करूं तो नितिन गडकरी आप ही के जो ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्टर हैं वो आके कर्नाटका की सड़कों की तारीफ करते हैं, तो हमारा काम तो इसलिए बोलता है। 80,000 करोड़ हमने किसानों के लिए माफ किया, आप मुझे अपने केंद्र की जिसे आप संकल्प पत्र बोलते हैं 2014 में आपने वादा किया था कि आप जो है किसानों को 50% मूल समर्थन देंगे, और जीतने के बावजूद बाद ही एकदम ही आपने एफिडेविट पे ये लिख के दे दिया कि भाई ये तो सिर्फ हमारे चुनाव के वो थे और उसके बाद हमें कोई ऐसी प्रैक्टिकल वो करने की जरूरत नहीं। आज क्या किसानों की जरूरत नहीं है? हमारे यूपीए टेन्योर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को मिलता था वो 19.3% मिलता था, आज आपके टेन्योर में 3.6% है। मैं पूछना चाहूंगा इतना बड़ा अत्याचार क्यों? आज अगर जनता आपको मैंडेट दे रही है तो भरोसा करके दे रही है आप, मगर ग्राउंड स्तर पे जो है काम नहीं कर रहे उसकी आलोचना हम करते रहेंगे, भले हम जो है इस वक्त ऑपोजिशन में आ गए हूं, उस पर मैं जाऊंगा कि आप जो है जवाब दीजिए। ठीक है नवीन श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल दरअसल सैफ खान से ये था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, दरअसल 6 मई को कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन किया था, पीएम मोदी ने कहा था जिस पार्टी के मुखिया, कांग्रेस के लिए बात कही गई थी, जिस पार्टी के मुखिया जमानत पर चल रहे हो वो हमसे सवाल पूछेंगे, और जो यहाँ पर सवाल उठाया गया वो इस बयान पर कि अगर अभी तक कांग्रेस के नेताओं को ये हिदायत दी गई, ये एक तरह से कह सकते हैं कि धमकी दी गई है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर सीमाओं को पार करते हैं कांग्रेस के नेता तो ये समझ ले कि मोदी हैं लेने के देने पड़ जाएंगे, इस बात को इतनी गंभीरता से ले ली कि पूर्व पीएम ने राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिख दी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल जब पीएम मोदी ने किया कि लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसको एक तरीके से यहां पर गलत भाषा के रूप में जाना गया, क्या कांग्रेस ने इससे पहले कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, क्या कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया, या फिर राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि यह अब आम बात हो चुकी है? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है, क्या श्री राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर नहीं है, क्या प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा? और कुशल उपदेश बहुतेरे, देखिए आजकल दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, भोजपुरी की एक कहावत है, मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू, और उसको आधुनिक परिपेक्ष में समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान को आप लीजिए कि अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान, यानी जो चीज आपको सूट करती है वो अच्छी है, जो आपको सूट नहीं करती है वो खराब है। आप प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहें, आप प्रधानमंत्री को नीच कहें तब ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में यह कहा कि वह जमानत पर है, और जो वाकई नेशनल हेल्थ केस में जमानत पर है, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इसमें सबसे बड़ी चीज, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र इतने आंकड़े गिना चुके, देखिए 70 साल आप देश में रहे हैं, कोई भी सरकार रही है निश्चित रूप से उसने कुछ ना कुछ काम किए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपने किस कीमत पर किया है? चलिए आपसे ये एक्सेप्ट तो हुआ कि हमने काम किया है, वरना आपके प्रधान सेवक जो है हमारे इस देश के वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, और मैं साथ साथ में आपको बात खत्म करने दीजिए, ठीक है नवीन जी, ठीक है आपने बात पूरी करी, ठीक है आपने बात पूरी करी। हाँ निश्चित रूप से हमने किसान का उत्पीड़न किया है, इनकी सरकार में जो किसान करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, इनकी सरकार में जो किसान करोड़ों की गाड़ियों में घूमते थे, वैसे श्री रॉबर्ट वडेरा की बेरोजगारी हो गई है, उनकी संपत्तियां जब्त हुई, ऐसे किसान हमारी सरकार में जरूर परेशान हुए, लेकिन सैफ जी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमने काम किया है, आप उसको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो आप बोलने का ही नहीं है, 400 से 800 पे ले गए, आपको आपने बिल्कुल काम किया, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, विशेष लोगों के हाथ में थी, बिल्कुल काम किया है, 50 करोड़ लोगों को जब हम स्वास्थ्य बीमा देते हैं उस पर आप नहीं चर्चा करेंगे, आप जो भी हमारी सरकार 29 करोड़ क्या नरेंद्र मोदी जी के वहां पे जो आज भी उसकी उनकी रूहें इनको हॉन्ट करती है। अरे सुन लो यार, सुन लो भैया, मैं बस एक तारीफ करूंगा आपकी, सैफ जी आप बहुत अच्छे भले आदमी है, विद्वान आदमी है, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते
कर्नाटक की हार पर कम से कम चुनाव आयोग और ईवीएम पे आपने नहीं उठाया, और बेगानी शादी में हुआ अब्दुल्ला दीवाना, सपा के लोग सुबह 8 बजे एक प्रवक्ता एक चैनल पर कह दिए थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है, सब ईवीएम हैक कर लिए गए, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि 2014 के चुनाव में 17,000 हाई जैकर, वो बेचारे नहीं जानते थे कि हैकर होता है या हाई जैकर होता है, आपने लिया था, सरकार आपकी थी। अगर आप इतना है, आप देखिए लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष मजबूत विपक्ष का भी होना चाहिए, लेकिन मुझको ऐसा कहीं नहीं लगता है कि आप लोग अपनी गलतियों से कोई सबक लेके जनता से जुड़ने, जनता से जुड़े हुए। चलिए चलिए ठीक है नवीन जी, ठीक है ठीक है, बाकी लोग मुसलमान ये राजनीति करते रहे, देश की जनता इस प्रकार की राजनीति को नकार चुकी है। आपकी बात समझ गया हम। एके मिश्रा जी, यहाँ पर जिस तरीके से रुझान आए हैं, एक बार कर्नाटक चुनाव पर फिर आया था, क्योंकि बात करते करते मुद्दा भटक जाता है और बात कहीं और चली जाती है। कर्नाटक चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी बीजेपी द्वारा, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, मंदिर और मठ का जो उनका संबंध है, क्या उसको साधने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक बुलाया गया था, क्या वो फैक्टर काम किया है, या फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इतने आसानी से बीजेपी को तमाम राज्यों में जीत दिला देता है? मनीषा देखिए, आपका सवाल बड़ा सही है, और प्लीज मैं सारे नेता जो भी बैठे हैं, मैं बोलता हूं कि इसको एक साइंटिफिक स्टडी की तरह देखिए। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फेवर नहीं है, मैं बोलता हूं डेवलपमेंट के मामले में बीजेपी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसको देखिए बीजेपी जिस चीज में बहुत अच्छी है, केवल इलेक्शन की बात करिए। देखिए वहां पे अगर आप देखेंगे वोक्का लिंगा लिंगायत वगैरह ये सारे थे, येदुरप्पा जी को चुनाव कैंपेनिंग में बीजेपी ने पीछे कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ करप्शन से रिलेटेड जो है चार्जेस थे। बीजेपी जानती थी कि हम अपनी इमेज जो है एक साफ स्वच्छ ईमानदार पार्टी की प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर येदुरप्पा जी को हमने आगे किया तो विपक्षी दल कांग्रेस जेडीएस वगैरह सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है उनको वहां लेके गए, येदुरप्पा जी ने कोई कैंपेनिंग नहीं की। देखिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यही होता है जो कि देखना चाहिए। दूसरी चीज, वहां पे मठ मंदिर ये सब इतने ज्यादा हैं, उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि उन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ से बेटर कोई नहीं कर सकता था। वो भी मठाधीश है और जाके दूसरे मठाधीशों से मिले, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी अगर परफॉर्म कर रही है तो उसमें बीजेपी की मैं कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं मानता हूं, उसमें मैं अपोजिशन की गलत नीतियां गलत स्ट्रेटजी मानता हूं। इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए राहुल गांधी जी जब वहां पे गए, क्या हुआ कि शुरू में आप देखिए तो सिद्धारमैया जी बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त माहौल कांग्रेस के फेवर में था, लेकिन राहुल गांधी जी जाकर के वहां पे आगे हो गए। उसके बाद सिद्धारमैया जी की फ्रंट पे आके कोई रैली नहीं हुई, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ये एक ऐसी चीज थी, राहुल गांधी ने कई गलतियां की या कुछ भी किया उन्होंने, ये एक ऐसी चीज की कि बाद में कांग्रेस की इमेज धीरे धीरे करके वहां पे कम होने लगी और बीजेपी और एग्रेसिव वे में वहां पे जाने लगी। बहुत सारे समीकरणों को देखा जाए, अगर देखिए लिंगायत को देखा जाए तो येदुरप्पा जी खुद थे, 37 या 47 लोगों को इन्होंने लिंगायत दिया, तो कांग्रेस ने जो एक पॉलिसी बनाई थी कि लिंगायत को हम अलग धर्म घोषित करेंगे, वो ये मुद्दा जो है बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया। एक बड़ा स्ट्रेटजिक डाटा आपको बताता हूं, न्यूमेरिक 2013 का आप इलेक्शन लीजिए, कांग्रेस को 36.6% वोट मिले थे और येदुरप्पा जी उस वक्त जो अलग थे केजेपी वगैरह और निर्दलीय को, बीजेपी को 19.9% वहां पे वोट मिले थे और 40 सीटें मिली थी, येदुरप्पा जी को 7 मिले थे। अगर बीजेपी, येदुरप्पा जी और एक दो निर्दलीय जो थे इन सबको मिला दें तो बीजेपी जो आज की डेट में बीजेपी है वहां पे 38.something% का वोट आता है, तो बीजेपी ने वोट गेन कहां किया? कुछ नहीं किया। उनका अपना वोट बैंक आज सामने आ गया, 2% से 3% से वो कांग्रेस को लीड कर गए, हुआ कुछ नहीं है, वोट कहीं नहीं शिफ्ट हुआ। बीजेपी का जो वोट बिखरा था येदुरप्पा वगैरह मिल गए, वही वोट आ गया, आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं आपको, अगर आप देखेंगे मान लीजिए 36.6% अगर आप वोट देखेंगे, बीजेपी को स्विंग करने के लिए 5% एडिशनल उनको वोट चाहिए था, बीजेपी ने कैसे मैनेज किया, ऑन एन एवरेज 4 करोड़ वोटर मान लीजिए और 50,000 आप वहां पे बूथ मान लीजिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 54,000 शायद बूथ हैं और 4,98,00,000 वोटर अब की बार है, तो अगर आप 4 करोड़ को जो है आप 50,000 बूथ से करेंगे तो पर बूथ इनको मेरे ख्याल से 40 जो है एडिशनल वोट चाहिए। अगर इनके पुराने वोट फिक्स हैं तो इस बार नए वोट इनको पर बूथ जो है 40 चाहिए। अब इन्होंने किया क्या,
40 नए लोगों को अपने फेवर में करना बड़ा आसान काम है। आरएसएस के एक एक आदमी को लगा दिया और जहां 2000 3000 4000 वोटर होते हैं एक बूथ पे, उसमें से 40 लोगों को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से एडिशनल टोटल 20 लाख जो पूरे कर्नाटका में इनको वोट की रिक्वायरमेंट थी कांग्रेस को लीड करने के लिए 2.5-3-4% से वो किया और 2% अगर इन्होंने एडिशनल वोट लिया तो कांग्रेस या अपोजिशन को 4% का लॉस होता है। तो इस तरीके से उन्होंने मैनेज करके जीता। देखिए विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, जाके रैली कर देना सोशल मीडिया पे। 2017 के इलेक्शन में एक महीने मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी लड़ते रहे स्टेज पे, सारे लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि एक महीने तक अखिलेश यादव जी ने बड़ा बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट किया, हाईजैक करके रखा। मैंने उसी वक्त बोला था कि इसका अगर आप कोलेटरल डैमेज देखेंगे तो हो सकता है समाजवादी पार्टी को आगे 10 साल तक ये उबर ना पाए, वही चीज हुआ, उसका नकारात्मक असर देखने को मिला। सैफ खान, कोलेटरल डैमेज भी आप सोचा करिए ना सर। ठीक है सैफ खान जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से अभी एके मिश्रा जी ने कहा कि बीजेपी जी की जीत के लिए उनका कोई उनकी बहुत तरफदारी ये नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो वजह मानेंगे वो कांग्रेस की जो गलत रणनीति वो अपनाते हैं। केवल कांग्रेस नहीं, मैं सारी विपक्षी दल, ठीक है विपक्षी दल की। एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये है सैफ खान जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये क्या खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं रणनीति में कमी रहेगी, प्लानिंग कुछ गलत बनी, या फिर कौन सा ऐसा फैक्टर मानते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी अपने आप को साबित नहीं कर पाती, बावजूद इसके आप कह रहे हैं विकास के काम बहुत किए हैं? नहीं, विकास का काम तो बिल्कुल किया है, जिसका मैंने मौजूदा आकलन आप जो है चंद चंद के ऊपर दिया है, जिसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी इसके ऊपर जो है वो नहीं आया, ना कोई गवर्नमेंट का कोई भी आंकड़ा ये बता सकते हैं। मैं गैस सिलेंडर्स की बात कर रहे थे तो 800 रुपए का मैंने एग्जाम्पल ही इनको दे दिया था। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो पहली बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहती है, ये कहते हैं दीपक मिश्रा जी, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यानी संकल्प पत्र में कैसे ये लेके आ सकते हैं कि वो राम मंदिर बनाएंगे, तो ये रिलीजन के वाज के दौर के ऊपर कौन लड़ाई करवाना चाहता है, ये भी अब मैंने आपको बता दिया है। अब बात की येदियुरप्पा जी की, इनके जो अभी अभी जेल से आए हैं, अपने 4 मिनिस्टरों के साथ में वहीं जेल में थे, वहीं जेल की रोटियां तोड़ के अभी आए हैं बाहर, अब वो सीएम बनाएंगे या जो भी होगा इनकी पार्टी का। अब करप्शन की बात कर रहे थे तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, अमित शाह के बेटे जो हैं तीन महीने में 50,000 से तकरीबन 80 करोड़ के ऊपर जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन ले जाते हैं, वो कौन सा ऐसा मैजिक फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया है। फिर बात की सच्ची इनकी कड़वी जो सच्चाई है इनके साथ वो ये है कि इनकी बैकबोन जो है वो आरएसएस काम कर रही है, वही आरएसएस जो हमारे देश में 4 मरतबा बैन की जा चुकी है, वही आरएसएस जिसकी 39 ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में अलग अलग जगह के ऊपर, वही आरएसएस जो ट्रेनिंग कैंप छोटे छोटे बच्चों को बंदूकें पकड़ा देती है, वही आरएसएस जिसके गॉडसे ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो है कत्ल किया, और उसके बाद जो है हमें यह भी देखने को मिलता है कि अपने ऑफिस में या दफ्तरों में जो है 55 साल से जो है आज तक हमारे भारत का झंडा नहीं लहराया है, वही आरएसएस जिसको जिसकी कोशिश है कि किसी तरीके से यहां पे जो दंगे, इसलिए मैंने कम्युनल वायलेंसेस का क्यों जिक्र किया, मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आज ये कड़वी सच्चाई है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है, ये पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, कम्युनल वायलेंसेस यूनियन मिनिस्टर ने पेश किए हैं, 822 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्डेड इन 2017, 2016 में 703, 751 इन 2015, क्या कहेंगे इसको आप? ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आरएसएस जो है इनकी बैकबोन जो है वो हमारे देश को किसी ना किसी तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही जैसे अंग्रेज हमारे देश में 200 साल से ज्यादा राज करके गए नहीं गए, वैसे ही आज जो है भारतीय जनता पार्टी की इनकी स्टेटों में राज हो रहा है। चलिए आपकी नीतियां जो है नवीन जी, यहाँ पर आरएसएस को यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा दिया गया, अब बताइए आपके पास क्या जवाब है इसका? नहीं नहीं नवीन जी, आप ये बताइए आप इलेक्शन को कैसे मैनेज करते हो भाई, आप क्यों जीत जा रहे हो? ठीक है नवीन जी, सबका जवाब बताइए ना, ये मुद्दे डेवलपमेंट वगैरह तो इसके बाद से शुरू होगा। नवीन जी आप जवाब दे दीजिए इन सब चीजों का, आपके पास क्या जवाब? देखिए अब जो लोग धर्म की ही राजनीति करते रहे हैं उनको आरएसएस समझ में नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोग समझ में आए, लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक चीज है लक्ष्मी बात है, आप समझा नहीं पाएंगे ना मनीषा जी, कि सेकुलर वह लोग सेकुलर बनने, सेकुलर मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष। जिन लोगों ने मेरठ मलियाना भागलपुर आसाम में हजारों हजार मुस्लिम बंधुओं की हत्या कराई, 84 के सिख दंगों में हजारों सिखों की हत्या कराई, आज वो कहते हैं कि वो सेकुलर है, आरएसएस दंगा कराती है,
आप अपने इतिहास को देखिए श्रीमान जी, और आप ऐसा व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में बात भी कर चुके, और आप सही आंकड़े लेके बैठा करिए। आप एक बड़े दल के जो अब तो खैर इतिहास के पन्ने में जा रहा है। अच्छा जी, बहुत बड़े जानकार नहीं सुन लीजिए, नहीं जो आपके मैं आपको भाई आपकी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा सर। आपके राष्ट्रीय मैं समझ सकता हूँ, आरएसएस की नीतियां जो है वो आपके खून में है, वही जो डिवाइड करने की पॉलिसियां है, और आप राजभक्त है। चलिए आप मुझे अभी चैनल पे बता दीजिए, गॉड से की जय, महात्मा गांधी की जय, अभी दूध का दूध और पानी का पानी का समर्थन में भ्रष्ट। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, गॉड से का ठीक है हूं साहब, महात्मा गांधी ठीक है ठीक है, आप जवाब दे सुन, पता चला आपका ठीक है, आप जवाब दे, आप देशभक्त हैं ठीक है, जवाब सुन, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, ठीक है ठीक है, नवीन जी बताइए, नवीन जी आप जवाब पहले ठीक। मनीषा जी, पूरी दुनिया जिस आतंकवाद का धर्म नहीं खोज पाई उसके कांग्रेस के नेताओं ने खोज दिया कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। तो इनसे धर्म, सेकुलर, लोकतंत्र, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, सारे संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने वाले, उनके ऊपर आरोप लगाने वाले आज लोकतंत्र की बात करते हैं, ये बड़े आश्चर्य की चीज है। और आपने आंकड़े गिनाने से सैफ जी नहीं होता है, आप सच्चाई पता चलती है ना, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा, हम लोग ये कह, आप काम करिए, जनता के बीच जाइए, काम करिए, अपना तो काम बता दीजिए। वाह भाई, अभी अभी एक चैनल सुन लीजिए, नहीं हम क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं बताना, वो जनता हमारी माता है, हर जगह आप ये गीत गाते हैं, उसके बाद अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र और आपकी हैसियत आसाम मणिपुर मेघालय में कोई गाय माल जो है आपने उसके बाद उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी को अपना स्टार प्रचारक बनाया और उन्होंने वहां कर्नाटक जाना तक भी उचित नहीं समझा। तो आप जहां जिस स्टेट में आपका स्टेक है, जिन्हा पर उत्तर प्रदेश में आपके दोनों बड़े नेता श्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली और अमेठी में जिस समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोकसभा का चुनाव जीतते आए हैं, उस पार्टी के नेता ने आपके स्टार प्रचारक के रूप में जाना मना कर दिया, बहन जी ने क्या कह दिया, वो सब कुछ कह दिया आपके विषय में, आप अपनी चिंता करिए, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है ठीक है, नवीन जी को जानकारी ठीक है, नवीन जी से आप ठीक है, अजीत साहब जी कुछ कहना चाहेंगे, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए, ठीक है एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए, अजीत साहब संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना बंद करिए, ठीक है नवीन साहब आपकी बात हम समझ गए, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना बंद करिए, इसको बैन करना चाहिए साहब, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो बैन चाहिए, ठीक है। कर्नाटक के मुद्दे पर, कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं, अजीज खान जी, अजीज खान जी बताइए। एक्चुअली ये क्या है ना, ये लोग लड़ करके मुद्दों को दबाना चाहते हैं, ठीक, और खासतौर से ये आदत हमारे बीजेपी के सहयोगी की है, ये मुद्दों को दबाना चाहते हैं। अब चूंकि आज जीते हुए हैं, उत्साहित है और उत्साहित होना स्वाभाविक है, अभी इन्होंने इसी उत्साह में बहुत सारी बातें कही। पहले मैं जनाब ए के मिश्रा साहब अभी बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत बढ़िया आंकड़ा पेश किया, वाकई में उन्होंने अच्छी बात रखी, उन्होंने बात मैनेजमेंट की जो रखी, ये वाकई में देखिए बीजेपी का क्या है, मैनेजमेंट है। अब वो मैनेजमेंट, उनको चुनाव जीतना है, वो किस हैसियत से जीते, कैसे जीते, सवाल इस बात का नहीं होता है, उसमें वो किसी तरीके का धार्मिक उन्माद पैदा करें, लोगों को गुमराह करें, ये उनका अपना तरीका है, और वो चुनाव जीतने के लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं, यही उनका मैनेजमेंट है, ये उनका तरीका है। और ये अभी मैं तो सारी बातें ये बोलते हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दे दूंगा, तो ये क्या है सर, आप धार्मिक उन्माद नहीं फैला रहे हो। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, ऐसा कभी नहीं बोले, आपका हिंदू हूँ, अरे भाई मिश्रा जी, मिश्रा जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मेरे मित्र आप मेरी बात रखने दीजिए, मैं कहने जा रहा था, हम तो आपके मैनेजमेंट की, आपने जो मैनेजमेंट की तारीफ की वो मैं बोल रहा था आपसे, अब आपने वाकई में बात रखी कि मैनेजमेंट है अच्छा, मैं मानता हूँ आरएसएस का, अजीत खान जी आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी, ठीक है आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हथकंडे अपनाती, क्योंकि तमाम पार्टियां करती है, चुनाव प्रचार में सारी पार्टियां, जाति की बात करें, दलित समुदाय की बात करें, कर्नाटक में लिंगायत समाज की बात करें, मंदिर मठ मस्जिद तमाम चीजें आ जाती है चुनाव प्रचार के दौरान, ये आप नहीं कह सकते कि बीजेपी करती है, सारी पार्टियां करती है। मैंने तारीफ की, आप काय उखड़ रहे हैं, सुनिए मेरी बात, ठीक है सुन ले आप मेरी बात, ठीक है अजीज खान जी आप बताए, हेलो ठीक है आप अपनी बात, ये कट गया, हेलो भैया सुनो सुनो, ठीक है अजीज खान जी आप अपनी बात रखिए, चलिए संपर्क नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं। श्रीधर पाठक जी,
श्रीधर पाठक जी, यहाँ पर बात की गई कि चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ योगी आदित्यनाथ का रोल ये रहा कि वो लिंगायत समुदाय, मठ मंदिर, इन तमाम चीजों से उनका लिंकअप ज्यादा है, इसीलिए वहां पर वो कार्ड चल गया। यहाँ पर अगर बात की जाए राहुल गांधी की, मठ और मंदिर में तो वो भी गए थे, आपको क्या लगता है वो कौन सा फैक्टर है जो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं वो कैच नहीं कर पा रही है? विपक्षी पार्टियों के पास या कांग्रेस के पास अगर कहें, क्योंकि वहां पर मुख्य पार्टी वही थी, क्या कमी रह जाती है कि वहां पर अपने हाथ की सत्ता, जहां 5 साल काम किया है, वहां की जनता को रिझा नहीं पाई, जनता की परीक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर पाई? चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, एके मिश्रा जी, आपसे पूछूंगी, ये कौन सा यहां पर गेम खेला जा रहा है? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की बात कही, आपने ही कहा कि ठीक है उनका मंदिर मठ और इन सब से ठीक है, बहुत गहरा नाता है उनका, बहुत लिंकअप है, तो वो काम कर जाता है, ये फैक्टर काम आ जाता है, लेकिन क्या वजह है? क्या वजह है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है? राहुल गांधी भी गए थे, क्यों नहीं? आप सही बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक टर्म होता है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल पोजीशनिंग। आप अपनी पार्टी को जब प्रेजेंट करते हो पब्लिक के सामने, तो आपको क्लियर कट ये दिखाना होता है, ये मैसेज देना होता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या करेंगे। सारी पार्टियां जो है कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल पोजीशनिंग करती हैं, वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अब राहुल गांधी का एग्जांपल लें, कभी मंदिर जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, तो लोगों को लगता है कि है क्या ये चीज। पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। बीजेपी इस चीज में बड़ी माहिर है, देखिए वो सही है गलत है, मैं नहीं बोलता। सैफ कांजी, क्या आपके पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करे इस तरीके से, मंदिर और जाए शायद वो काम कर सके? ठीक है, मेरी बात एक बार आपके पास आते हैं, हाँ, आपके पास आते हैं, बस सैफ खान सवाल पूछा है, बात इनकम्प्लीट हो गई। सैफ खान से सवाल पूछा है, उनसे जवाब ले, एक बार जवाब मिला आपके पास, बात रख दूं। ठीक है, सैफ जो बात मैं कह रहा था मनीषा जी, मुझे मौका दे, चलिए एक बार जरा जवाब दे, सवाल जिससे पूछा है उनसे जवाब ले, सभा के दोस्त से एक बार जवाब दे, केवल 5 सेकंड का टाइम दूंगा इस बात का जवाब देने। अरे भाई, आप मुझे भी मौका दे, हां इसके बाद आप बोलिएगा, एक बार आप बोलिएगा, इनसे सवाल पूछा एक बार जवाब ले लेते हैं। सैफ खान जी, देखिए 5 सेकंड, हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर जगह गए हैं, और ये जाना भी चाहिए, हमारा देश में आप फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को अपना काम नहीं आया कुछ जाना साहब का, जो कुछ काम नहीं आया। हम ऐसे लोग नहीं है साहब जो रिलीजन के नाम पे फायदा उठाए। मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, आने वाला व्यक्ति मुझे बता दीजिए, हमारे आज तक कांग्रेस के कौन से रिलीजन के नाम पर आप फायदा उठाएंगे? लेकिन कर्नाटक में आप गए, कर्नाटक में लिंगायत को क्यों अलग घर बना लिया? जो गुरु भैश्वा मौका दे दीजिए, जिसकी पहली पार्लियामेंट अनुभव मैं बोल रहा हूँ, किसी भी ना मंदिर ना किसी मस्जिद, इनका अपना स्थापना है। अगर लिंगायत की बात करते हैं तो किसी भी मंदिर या मस्जिद किसी भी जगह के ऊपर जाते नहीं है, इनकी अपनी डिमांड है। इन्फॉर्मेशन नहीं लिंगायत धर्म की बिजनेस है, वो खुद काम करते हैं, बता रहा हूं लिंगायत के लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं, सारी आईडियोलॉजी। ठीक है एक ही मिश्रा जी, आप अगर एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आ पाएगा। आप लोग अपने एक मिनट बात सुनिए, सैफ खान जी आप ये नहीं कह सकते कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, ये देखा गया है। अरे अरे कर्नाटक में मंदिरों में मठ में जहां भी चुनाव होता है राहुल गांधी जाते दिखते हैं, गुजरात की बात कीजिए ना, अरे चुनावों के दौरान क्यों जाते हैं, चुनावों के दौरान क्यों जाते हैं, उससे पहले उससे बाद में क्यों? ठीक है अजीज खान जी, बाद में भी गए हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गुजरात के इलेक्शन के बाद भी गए हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं चाहता हूं कि राम को आम आप गुजरात के बाद में राम की शरण में बात आप समझिए, बाद भी राहुल गांधी जी गुजरात गए, मंदिर फिर विजिट किया, तो आप ये नहीं बोल सकती हैं। ठीक है अजीज खान जी, जाते हैं या बाद में नहीं जाते। ठीक है अजीज खान जी, मनीषा जी अरे भाई सैफ भाई आप मुझे मौका दें। ठीक है अजीज खान जी, बोलिए आप मनीषा जी।
हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए मंदिर में जाना और मस्जिद में जाना ये कोई बुराई नहीं है, और हमारे माननीय योगी जी भी कर्नाटक में गए और तमाम मंदिरों में गए, और मुझे लग रहा जाना भी चाहिए। उन्होंने तमाम तरीके का बयान दिया कि राष्ट्रवादी बनाम आप समझिए जिहादी लोगों को इस तरीके से आप चुनोगे, किसको चुनोगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मजहब की बातें पैदा की गई, कोई बुराई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन कर्नाटक का चुनाव था उस दिन नेपाल गए और मंदिर मंदिर घूमते रहे, दर्शन किया वहां पे, और वहां की धरती से यहां पर बहुत सारे लोगों को संदेश दिया। हमें इसमें कोई बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि होना भी चाहिए, उनका वो धार्मिक स्थल है, इसलिए जाने में कोई बुराई नहीं है। हमें इतराज इस बात का है, अभी नवीन भाई जो बात कह रहे थे कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब ये शासन सत्ता में नहीं थे तो ये इनका ये स्टेटमेंट था कि एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। हालात ये हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय अफगानिस्तान जाते हैं और वहां से लौटते हैं रास्ते में लाहौर में बिरयानी खाने चले जाते हैं नवाज शरीफ साहब के यहां, ना उनको सलामी मिलती है ना गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। और सवाल इस बात का है कि वहां से लौट करके आते हैं 31 दिसंबर को पठानकोट में इतना बड़ा हमला होता है, तमाम हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। हकीकत यह है कि क्या बातें इन्होंने वहां पे किया नवाज शरीफ साहब से, आज देश की जनता जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या बात किया कि इतना बड़ा अटैक हमारे इस मुल्क पे हुआ, आप पाकिस्तान के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया। हकीकत इस बात की है, जिस तरीके का माहौल बीजेपी पैदा करना चाहती है, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में हो, चाहे हमारे पड़ोसी राज नेपाल के बारे में हो, 3-3 बार यात्रा करने के बाद आज पाकिस्तान वन बेल्ट वन रूट की बात कर रहा है, कुछ उसमें पाकिस्तान नेपाल और चीन मिला हुआ है। हमारा जो विदेश नीति है वो फेल है, किसान यहां आत्महत्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए आपके किसानों का बकाया है, हालात कानून व्यवस्था की चरम पे है, देश में हालात अलग है। सवाल इस बात का, इन सारे मुद्दों से भटका करके सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की एक चाल है कि सारे मुद्दों को दबा दिया जाए, और अजीत जी आपने आंकड़े गिना दिए, आपने बता दिया कि बहुत आपस में ना इत्तेफाकी पैदा किया जाए खराब है, कानून खराब है, सब आपने मिला करके चुनाव को जीत लिया जाए, सिर्फ मकसद इस बात का है। ठीक है श्रीधर पाठक जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, आप इस बात को बेहतर तरीके से समझते होंगे, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, बात वहां विकास की कम, बात धर्म की, बात जाति की, बात मंदिर मस्जिद मठों की, बात अजान की कुरान की होती है, लेकिन यहां पर बात विकास की नहीं होती, और बावजूद उसके इतनी बड़ी चर्चा हमारे डिबेट में ही आप देख लीजिए, जहां ही बात धर्म की उठी वहीं पर इतनी बड़ी चर्चा जो है वो एकदम से चील कौवों की तरह सब चिल्लाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं विकास के नाम पर राजनीति होती है देश में, चाहे वो कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी उदाहरण आप लीजिए, किसी भी चुनाव में विकास पर बात नहीं होती, क्यों ऐसा होता है हमारे देश में? नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक सवाल आपने उठाया, कम से कम 70 साल बाद ये सवाल उठा हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। राजनीतिक दल वही बात करते हैं जो जनता को पसंद होता है, और जनता को जो पसंद होता है उसकी बात करने वाले राजनीतिक दल को जनता अपना नेता चुनती है। जनता ने कंटिन्यूएशन में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को अपना मत दिया, और कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई, वो योजनाएं कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बन रही थी, सरकार का बहुत बड़ा सिस्टम है, और एक एक इंच से लेकर के और हजारों किलोमीटर तक की नाप जोक वो सिस्टम करके तैयार रखता है। ये राजनीतिक निर्णय की बात है कि उसे विकास के किस मुद्दे को पहले उठाना है और किस मुद्दे को चुनाव के दौरान उसे नहीं उठाना है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि उस पार्टी को देखिए, मैं मनीषा ये बोल रहा था, मैंने पहले भी बोला, जो रियल डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट चीज होती है, और 1.5 महीने 6 महीने का जो इलेक्शन कैंपेन होता है जीतने के लिए वो डिफरेंट चीज होती है। अब देखिए क्यों पॉलिटिकल, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, बात ये देश के विकास की है, जाति धर्म और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट के टाइम में इसरो ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अब जो गांव में एक झोपड़ी में आदमी रहता है उसको क्या पता जीपीआरएस क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, अगर पार्टियां ये चीज बताने लगे तो वो इनफेक्टिव रहेगा। देखिए ये हमारे देश की दुर्दशा है, हमारे जनता की दुर्दशा है कि हमें भी वही चीजें पसंद आती हैं जो थ्रिलिंग हो। अब देखिए लाइफ में होता क्या है, ऐसी चीजों को बोला जाए जिससे कि जो है जनता खुश हो जाए, तालियां जो है बजाने लगे, और अपने आप को कोरिलेट कर ले लीडर से साइकोलॉजिकली, और वो ऐसे ही मुद्दे हैं जो पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सारी पार्टियां मिलकर के यही सारे मुद्दे उठाना शुरू करती है, और इसी तुरंत अपना चुनाव भी लड़ा जाता है। श्रीधर पाठक जी,
क्या अब ये बात साफ हो गया है कि जो ये नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और तब्दील ये होंगे नतीजे में, इस बात में अब तो कोई दोराई नहीं लगती है, लेकिन क्या कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर 2019 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर भी पड़ेगा, और क्या कुछ इसका असर दिखने वाला है चुनावों के दौरान? हाँ, वो निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि ये लहर जो है वो धीरे धीरे चलती है। ये ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हुआ और अगले दिन चुनाव होगा तो वो लोग बदल जाएंगे। इसका सालों साल असर रहेगा और ये जीतने वाली पार्टी पर निर्भर करता है कि वो इस उसे किस तरह से भुनाती है। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी बता देंगे कैसे भुनाएंगे। नवीन श्रीवास्तव जी प्रस्तुत करती है, ठीक है, 22 राज्यों में आपकी सरकार बन जाएगी, 2019 के लिए क्या कुछ तैयारियां करेंगे आप? छोटा सा जवाब, समय कम है। देखिए मनीषा जी, माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जब सरकार बनी तो जो भी उन्होंने नीतियां लाई उस पर हमेशा जनता ने मोहर लगाई। आप देखिए, नोटबंदी का फैसला एक बहुत कठिन फैसला था, कड़ा फैसला था, लेकिन जब देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो यह नरेंद्र मोदी जी के ही बस का था कि राजनीतिक खतरों को उठाते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। सर, वो पॉलिटिकल फैसला था, अरे सुन लीजिए जरा, अरे सुन लीजिए महोदय, आप ऐसे बड़े बड़े विद्वान नहीं, हम लोग की बात सुन लीजिए जरा। तो उस बड़े फैसले पर भी जो देश की दिशा दशा तय करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर लगाया। जीएसटी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर जो कठिन राजनीतिक फैसला मोदी जी ने लिया देश के विकास के लिए, बिना किसी स्वार्थ के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेके, उसको देश की जनता ने स्वीकार किया। आज कर्नाटक की जनता भी उस कड़ी में उन 22 राज्यों में शामिल हुई जहां पर चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार है। निश्चित रूप से आने वाले 2019 के चुनाव के लिए हमने जो किया है और हम जो आगे करने जा रहे हैं, हमारी नीतियों पर जनता की मोहर लगी है, तो निश्चित रूप से हमारा, हमारी सरकार का उत्साहवर्धन होगा और 19 के चुनाव में हम पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी विजय की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है नवीन जी, अब ये जो कर्नाटक में रुझान आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते हैं कि 2019 में राजनीति किस करवट बैठेगी, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल समय कम है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये अब देखना होगा कि रुझान तो जो कुछ आए हैं, जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है, क्या ये रुझान अब नतीजों में तब्दील हो जाते हैं और इसके बाद 2019 में क्या कुछ रणनीति तमाम पार्टियां अपनाएंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।